हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे ये श्रग। और इस श्रग का साइज स्क्रीन पे है। लेट्स मेक दिस। इसके लिए मैंने ली है जॉर्जेट की एक साड़ी। पैटर्न के लिए पेपर ले लीजिए, डबल फोल्ड कर लीजिए। लेंथ वाइज 14 इंच और विड्थ वाइज 10.5 इंच है। 7 इंच शोल्डर के लिए मार्क कीजिए एंड देन 7.5 इंच आर्म होल डेप्थ। 9 इंच एट चेस्ट, 8 इंच एट वेस्ट एंड देन लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ऐसे फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल में राउंड दे दीजिए, लाइक दिस। यहां 2.5 इंच पे मार्क कीजिए और यहाँ भी 2.5 इंच पे मार्क कीजिए एंड देन लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। वन इंच शोल्डर को डाउन कर दीजिए। एंड देन वेस्ट पे लेंथ वाइज 1 इंच पे मार्क कीजिए और स्लोप दे दीजिए एंड देन कट ऑन मार्किंग। दिस इज द फ्रंट पार्ट एंड ये मैंने बैक पार्ट मार्क कर लिया है। विड्थ ऑफ पेपर है 10.5 इंच और लेंथ है 14 इंच। 7 इंच शोल्डर के लिए, 7.5 इंच आर्म होल डेप्थ और 9 इंच एट चेस्ट और 8 इंच एट वेस्ट एंड देन 1 इंच का राउंड दे दिया है आर्म होल पे। नेक लाइन की विड्थ लिए 2.5 इंच और डेप्थ 0.5 इंच। 1 इंच शोल्डर को डाउन कर दिया है और लेंथ वाइज वेस्ट पे 1 इंच का स्लोप दे दिया है एंड देन कट ऑन मार्किंग। आफ्टर कट ऑन मार्किंग, नाउ कट ऑन फैब्रिक। टेक द फैब्रिक इन डबल लेयर एंड देन विड्थ वाइज 1.5 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा मार्क कर दीजिए एंड 0.5 इंच फॉर स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्क करते जाइए, लाइक दिस। ऐसे 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर दीजिए पैटर्न से एंड देन कट ऑन मार्किंग। ये देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कट कर लिए हैं। बैक पार्ट में भी 0.5 इंच स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। एंड नाउ स्लीव्स कटिंग। टेक द फैब्रिक इन डबल लेयर। विड्थ वाइज है 18 इंच और लेंथ वाइज है 16 इंच एंड देन उसे फोल्ड कर लीजिए एंड देन यहाँ 3.5 इंच पे मार्क कीजिए और इस साइड 4 इंच पे मार्क कीजिए एंड देन इसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। स्लीव्स का कर्व मार्क कर लीजिए इसे एंड देन कट कर लीजिए। बॉटम ऑफ स्लीव्स पे 1.5 इंच पे मार्क कीजिए एंड देन ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए एंड देन मार्किंग पे कट कर लीजिए फैब्रिक को। एंड देन यहाँ 1 इंच पे मार्क कीजिए एंड देन 2 लेयर्स को मार्किंग पे कट कर लीजिए एंड नाउ टेक द फ्रंट एंड बैक पार्ट्स एंड स्टिच शोल्डर्स। ये देखिए, शोल्डर स्टिच हो चुके हैं एंड नाउ अटैच स्लीव्स। स्लीव्स को स्टिच कर दीजिए अपर पार्ट के साथ, लाइक दिस। ऐसे स्लीव्स स्टिच कर दीजिए। ये देखिए, स्लीव्स स्टिच हो चुकी है।
स्लीव्स की बॉटम को ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर दीजिए। देन अपर पार्ट की साइड्स भी स्टिच कर दीजिए लाइक दिस। ऐसे साइड्स भी स्टिच कर दीजिए। ये देखिए साइड्स भी स्टिच हो चुकी है अपर पार्ट की। नाउ फ्रिल कटिंग। ऐसे फैब्रिक को डबल लेयर में फोल्ड कर लीजिए। लेंथ वाइज 10.5 इंच पे मार्क कर दीजिए और कट कर लीजिए। 9 इंच हमारी फ्रिल रेडी है और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं स्टिचिंग के लिए। ऐसे फ्रिल कट कर लीजिए एंड देन ऐसे जॉइन कर लीजिए स्टिच हेयर। आफ्टर स्टिचिंग ये देखिए फर्स्ट फ्रिल की लेंथ है 10.5 इंच और विड्थ है 62 इंच सिंगल लेयर में, डबल लेयर में 31 इंच। एंड देन इसके वन साइड पे पिको कर दीजिए और इस साइड फोल्ड करके स्टिच कर दीजिए। आफ्टर पिको एंड स्टिचिंग ये देखिए वन साइड पिको और दूसरी साइड स्टिचिंग हो चुकी है। देन इस फ्रिल को अपर पार्ट के साथ स्टिच कर दीजिए। पिको से 0.5 इंच डाउन स्टिच करना है प्लीट्स डालते हुए। ऐसे स्मॉल स्मॉल प्लीट्स डालते जाइए और स्टिच कर दीजिए। ये देखिए फर्स्ट फ्रिल स्टिच हो चुकी है एंड नाउ सेकंड फ्रिल। इसकी वन साइड पे पिको हो चुकी है और दूसरी साइड पे मैंने फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। लेंथ ऑफ फ्रिल है 9.5 इंच आफ्टर पिको एंड स्टिचिंग और विड्थ वाइज ये फ्रिल है 52 इंच इन डबल लेयर, सिंगल लेयर में 104 इंच। देन इसे स्टिच कर दीजिए। पिको से 0.5 इंच डाउन प्लीट्स डालते हुए स्टिचिंग कर देनी है। आफ्टर स्टिचिंग सेकेंड फ्रिल स्टिच हो चुकी है एंड नाउ थर्ड फ्रिल जिसके वन साइड में पिको हो चुकी है और दूसरे साइड में फोल्ड करके स्टिच हो चुका है और इसकी लेंथ है 9.5 इंच और विड्थ है 75 इंच डबल लेयर में, सिंगल लेयर में 150 इंच। एंड नाउ इसे भी स्टिच कर दीजिए पिको से 0.5 इंच डाउन प्लीट्स डालते हुए। आफ्टर स्टिचिंग थर्ड फ्रिल ये देखिए। नाउ फोर्थ फ्रिल जिसकी लेंथ है 10 इंच और इसके सिर्फ वन साइड में मैंने पिको की है, दूसरी साइड प्लेन है एंड विड्थ वाइज ये फ्रिल है 120 इंच इन डबल लेयर, सिंगल लेयर में 240 इंच। एंड देन इसे भी स्टिच कर दीजिए पिको से 0.5 इंच डाउन प्लीट्स डालते हुए। ये देखिए आफ्टर स्टिचिंग फोर्थ फ्रिल। स्टिच टू डोरीज लाइक दिस एंड देन यहाँ स्टिच कर दीजिए एंड देन 2 इंच विड्थ की एक स्ट्रिप लीजिए एंड देन उसे यहाँ ऐसे स्टिच कर देनी है ऑल ओवर लाइक दिस। ऐसे स्टिच कर दीजिए। आफ्टर स्टिचिंग अब इस स्ट्रिप को फोल्ड कर दीजिए इनसाइड एंड देन स्टिच कर दीजिए लाइक दिस और बॉटम पे पिको कर दीजिए। फाइनल लुक। Thanks for watching.